मदरसा प्लस जो प्रोग्राम है हमारे यहाँ आने के बाद एतराफ के लोगों में एक उम्मीद आया है। उम्मीद ये है कि भाई वो बच्चे जो हाफिज़ कुरान बनने के बाद कई बच्चे जो टेक्निकल कोर्सेज करने में चले जाते थे या हाफिज़ कुरान करने के बाद हिफ्ज़ कुरान के बाद कुछ नहीं कर पाते थे, उन बच्चों के लिए एक उम्मीद का एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे भी अब मैट्रिकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा एक और बड़ा फ़ायदा है कि कई बच्चे ऐसे थे जो 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की वजह कर वो अपने एजुकेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ये है कि कई बच्चों को हमने यहाँ लाया है और उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मदरसा प्लस एक ऐसा प्रोग्राम जो उन बच्चों के लिए जो कभी ये नहीं सोच पाते थे कि हम भी मैट्रिकुलेशन कर पाएंगे, इंटर मेडिकल कर पाएंगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हमें यकीन है कि वो बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके एक अच्छे मकाम हासिल कर सकते हैं। अब हमारा एज बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब हम स्कूल में जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम शाहीन प्लस मदरसा प्लस में दाखिला लिए हैं। यहाँ 18 महीना में मैट्रिक करवाया जाता है और इसके बाद इंटर फाइनल करेंगे, उसके बाद फिर आगे भी पढ़ना है, मुझे UPSC क्लियर करना है। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और मैं शाहीन और डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब का शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि जो है यहाँ सेंटर खुला और बेहतर असातिज़ा जो है अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं और जो है हमारे लिए बेहतर उन्होंने सोचा, और बेहतर के साथ ये भी कि दुनियावी और दीनी दोनों काम जो है साथ में चले, जो कि एक मुसलमान को होना ज़रूरी है और वो बेहतर से बेहतर यहाँ पे हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अबुल कैस है और मैं हाफिज़ कुरान हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानता था पढ़ने के लिए और मैं मैट्रिक भी नहीं दिया था। तो यहाँ पे शाहीन स्कूल में मैं पढ़ने के लिए आ गया और अभी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे मुझे यहाँ आने से पहले हिंदी इंग्लिश या कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ मैं AISC के क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा ख्वाब है कि मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूँ। तो जो कुछ मुझे आता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ए स्टोरी इन सिंपल फ्यूचर टेंस। Brent is an American astronaut. He will travel into other space. At noon, his space shuttle is going to launch into a space. Brent and the other astronauts will travel to the International Space Station. They will see what Brent is doing in space. ये सब मुझे आज पढ़ने आ रहा है। मेरा ख्वाब है कि मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बन सकूँ और जो कुछ मुझे नहीं आता था आज मैं यहाँ AISC में आया हूँ तो बहुत कुछ सीखा हूँ। और ये शाहीन ग्रुप में मैं यहाँ जामिया इस्लामिया ईट के झारखंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट में शाहीन ग्रुप से एज ए इंग्लिश टीचर मैं यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत शानदार और अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं और मुझे यहाँ पढ़ाने में बच्चों को बहुत खुशी महसूस हो रही है, इसलिए कि सभी बच्चे बहुत पढ़ने के और मैट्रिक एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही ख्वाहिशमंद है। और मैं यहाँ बतौर मैथ टीचर अपॉइंट हुआ हूँ झारखंड। शाहीन का जो रूटीन है वो फजर से लेके इशा तक का एक रूटीन बना हुआ है और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है मदरसा प्लस शाहीन ग्रुप का, माशाल्लाह इससे हमारे इलाके में एक उम्मीद की किरण जागी है और ख़ास तौर पर वो हजरात जो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम बनाते थे तो उनके पास अब कोई सिस्टम नहीं रहता था कि अब हम उसका आगे क्या करें और क्या ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब की मेहनत रंग लाई और किसी तरीके से हमारे इलाके में ये पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे ने इसको जगह दिया और इस चीज़ से जितने भी हमारे बच्चे जो हाफिज़ कुरान या आलिम बनकर आ रहे हैं जिनको कुछ इंग्लिश उर्दू हिंदी वगैरह नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह जब हिफ्ज़ प्लस का जो प्रोग्राम चला इससे बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है, लोगों में उम्मीद की किरण जागी है। एंड वी ऑल टुगेदर वर्किंग हार्ड फॉर देयर अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर द फ्यूचर, फॉर बेटर फ्यूचर प्लीज़ ज्वाइन अस मदरसा प्लस प्रोग्राम दैट इज़ फॉर द
the Quran Hafiz and the Alim and the dropout students who are who can't able to further their studies. Please join us. Thank you very much.